हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी यूर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। विस्कोसिटी के आज के इस लेक्चर में हमें दो छोटे छोटे टॉपिक को पढ़ेंगे। एक तो है क्रिटिकल वेलोसिटी और दूसरा टॉपिक है रेनॉल्ड नंबर, और फिर उसके बाद में रेनॉल्ड नंबर के ऊपर बेस्ड दो अच्छे न्यूमेरिकल्स को भी सोल्व करेंगे। तो दोनों टॉपिक छोटे छोटे हैं। तो पहला टॉपिक देखो, क्रिटिकल वेलोसिटी। इसको वी सी से डिनोट करेंगे, वी सी से, ठीक है। तो क्रिटिकल वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है ना, इसको आपको याद रखना होगा, के इट्टा बाय में रो आर, ठीक है। ये क्या है, क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला, इसको आपको याद रखना होगा, ठीक है। मेरे पास एक विस्कस फ्लूड होगा, उस विस्कस फ्लूड की जो डेंसिटी है वो क्या है, रो। डेंसिटी ऑफ विस्कस फ्लूड वो है रो, और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ दैट विस्कस फ्लूड वो है इटा, ठीक है। और यहां पे के क्या है, डायमेंशनलेस कॉन्स्टेंट, ठीक है। और आर क्या है, रेडियस ऑफ ट्यूब, तो अब देखो, अब समझ में आएगा क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होती है। तो देखो, मेरे पास एक फ्लूड है, विस्कस फ्लूड, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इटा, डेंसिटी ऑफ विस्कस फ्लूड रो, और मेरे पास एक ट्यूब है, जैसे पाइप होती है ना, ठीक है। इस ट्यूब की रेडियस है मान लो स्मॉल आर, ठीक है, और इस ट्यूब में से मान लो कोई फ्लूड फ्लो कर रहा है, विस्कस फ्लूड, ठीक है, जिसकी डेंसिटी रो, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इटा। एक विस्कस फ्लूड फ्लो कर रहा है, ठीक है, और मान लो इस विस्कस फ्लूड की वेलोसिटी इस क्रिटिकल वेलोसिटी के बराबर या उससे कम है, तो इस फ्लूड का जो फ्लो होगा ना, वो स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा, स्ट्रीमलाइन फ्लो, ठीक है। अब मान लो वही पाइप है, मतलब वही ट्यूब है, जिसकी रेडियस है आर, ठीक है, और वही विस्कस फ्लूड है, डेंसिटी रो, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इटा। अब मान लो यहां पे विस्कस फ्लूड की वेलोसिटी कुछ ज्यादा है, क्रिटिकल वेलोसिटी से ज्यादा है, ठीक है, वी ग्रेटर देन वी सी, ठीक है। तो यहां पे इस फ्लूड का फ्लो कैसा होगा, टर्बुलेंट फ्लो, इरेगुलर, कुछ ऐसे, और एडीज भी बनेंगी, ठीक है, ये क्या होगा, टर्बुलेंट फ्लो। मतलब अगर फ्लूड की वेलोसिटी एक पर्टिकुलर वैल्यू के बराबर या उससे कम हो, तो फ्लूड का होगा स्ट्रीमलाइन फ्लो। स्ट्रीमलाइन फ्लो को स्टेडी फ्लो भी बोलते हैं, ठीक है। अगर मतलब फ्लूड की वेलोसिटी वी एक पर्टिकुलर वैल्यू के बराबर या उससे कम हो, तो फ्लूड का फ्लो क्या होगा, स्ट्रीमलाइन फ्लो या स्टेडी फ्लो। वो वैल्यू क्या होती है, क्रिटिकल वेलोसिटी। मतलब यहां से अगर क्रिटिकल वेलोसिटी को डिफाइन किया जाए VC को, ये क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी ऑफ फ्लूड सो दैट फ्लो ऑफ फ्लूड
इज स्ट्रीमलाइन। अगर फ्लूड की वेलोसिटी वी क्रिटिकल वेलोसिटी से ज्यादा हुई तो टर्बुलेंट फ्लो हो जाएगा, इरेगुलर फ्लो। और अगर फ्लूड की वेलोसिटी वी क्रिटिकल वेलोसिटी के बराबर या उससे कम हुई तो होगा स्ट्रीमलाइन फ्लो या स्टेडी फ्लो। ठीक है, मतलब एक तरह से अगर मैं ऐसा बोलूं, एक पर्टिकुलर वैल्यू से ज्यादा स्पीड पे अगर मेरा फ्लूड फ्लो करेगा तो ऑब्वियसली टर्बुलेंट फ्लो होगा, इरेगुलर, एडीज भी बनेंगे। ठीक है, तो एक तरह से रफ्तार अगर कम हुई ना फ्लूड की एक पर्टिकुलर वैल्यू के बराबर या उससे कम हुई रफ्तार तो स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा, स्टेडी फ्लो होगा। एक पर्टिकुलर वैल्यू से ज्यादा रफ्तार हुई फ्लूड की तो टर्बुलेंट फ्लो हो जाएगा। ठीक है, और यहां पे के क्या है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट। ठीक है, तो अब देखो हम क्या चाहते हैं कि हमारा फ्लो क्या हो, स्ट्रीमलाइन फ्लो। वी वांट स्ट्रीमलाइन फ्लो, यही तो चाहते हैं। तो अब देखो स्ट्रीमलाइन फ्लो जो हम चाहते हैं वो कब होगा, जब ये क्रिटिकल वेलोसिटी की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा हो। जो हम स्ट्रीमलाइन फ्लो चाहते हैं वो कब होगा, जब क्रिटिकल वेलोसिटी ज्यादा से ज्यादा हो, मोर एंड मोर, तभी तो फ्लूड के फ्लो की चांसेस स्ट्रीमलाइन होगा। ठीक है, तो क्रिटिकल वेलोसिटी ज्यादा से ज्यादा कब होगी, जब मैं एक ऐसा फ्लूड लूं जिसकी डेंसिटी कम से कम हो और कोफिशेंट ऑफ विस्कोसिटी ज्यादा से ज्यादा हो। डेंसिटी कम से कम हो, कोफिशेंट ऑफ विस्कोसिटी उस फ्लूड की ज्यादा से ज्यादा हो। ठीक है, और वो जो मैं ट्यूब ले रहा हूं उसकी रेडियस कम से कम हो, तो इससे होगा क्या, ये क्रिटिकल वेलोसिटी की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा आएगी, मोर एंड मोर। और उससे क्या होगा, उस पाइप में से या उस ट्यूब में से उस फ्लूड के फ्लो होने के चांसेस ज्यादा क्या होंगे, स्ट्रीमलाइन। तो मोर चांसेस ऑफ स्ट्रीमलाइन फ्लो। ठीक है, तो अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे फ्लूड के फ्लो के चांसेस स्ट्रीमलाइन ज्यादा हो तो उसके लिए क्रिटिकल वेलोसिटी की ये वैल्यू ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। तो हम एक ऐसा फ्लूड चूज करेंगे जिसकी कोफिशेंट ऑफ विस्कोसिटी ज्यादा से ज्यादा हो, डेंसिटी कम से कम हो, और जो हम ट्यूब लेंगे ना उसकी रेडियस कम से कम हो। तो उससे क्या होगा, उस ट्यूब में से जब मेरा फ्लूड फ्लो करेगा ना तो कौन से फ्लो के चांसेस ज्यादा होंगे, स्ट्रीमलाइन फ्लो के। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे रेनॉल्ड नंबर। रेनॉल्ड नंबर क्या होता है, रेनॉल्ड नंबर जैसे नाम से पता चल रहा है एक नंबर होता है बस। ठीक है, रेनॉल्ड नंबर, इसको हम आर वी से डिनोट करेंगे। ठीक है, और रेनॉल्ड नंबर किसके बराबर होता है, रो डी वी बाय में इट्टा। ठीक है, रो क्या होगा, डेंसिटी ऑफ विस्कस फ्लूड, और यहां पे इट्टा क्या होगा, कोफिशेंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ दैट विस्कस फ्लूड।
कोफिशेंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ दैट विस्कस फ्लूड, ठीक है। और v क्या होगी, एवरेज स्पीड ऑफ फ्लूड या लिक्विड थ्रू ट्यूब, वो जो मेरा विस्कस लिक्विड या विस्कस फ्लूड है उस ट्यूब में से फ्लो करेगा, तो उस फ्लूड की एवरेज स्पीड वो क्या है, वी। और ये कैपिटल डी ये क्या है, डायमीटर ऑफ ट्यूब। मेरे पास कोई ट्यूब होगी उसका डायमीटर होगा कैपिटल डी, ठीक है। तो अब देखो, मान लो मेरे पास एक ट्यूब है जिसका डायमीटर है कैपिटल डी, ठीक है, और मेरे पास एक विस्कस फ्लूड है जिसकी डेंसिटी है रो, कोफिशेंट ऑफ विस्कोसिटी इटा, ठीक है, और वो विस्कस फ्लूड यहां पे फ्लो कर रहा है इस ट्यूब में से, और मान लो इस विस्कस फ्लूड का फ्लो कैसा, स्ट्रीमलाइन फ्लो, ठीक है, या स्टेडी फ्लो भी बोलते हैं इसको, तो स्ट्रीमलाइन फ्लो है, ठीक है, जैसा कि दिखाई दे रहा है स्ट्रीमलाइन फ्लो या स्टेडी फ्लो। और देखो यहां पे होता क्या है, अगर इन रियलिटी बताऊं, इन रियलिटी क्या होता है, ये जो लेयर होती है ना पासिंग थ्रू एक्सिस ऑफ द सिलेंडर फ्लूड की, ये लेयर की वेलोसिटी सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। और जैसे हम टूवर्ड्स द सरफेस ऑफ द ट्यूब जाएंगे तो फ्लूड की लेयर्स की जो रफ्तार है ना वो कम होती जाती है, ठीक है। तो यहां पे किसी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन पे देखो फ्लूड की या लिक्विड की लेयर्स की स्पीड अलग अलग है, जो लेयर बिल्कुल मिडल में से पास हो रही है इस ट्यूब के, मतलब उसकी स्पीड क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। और जैसे हम इस ट्यूब के सरफेस की तरफ जाएंगे फ्लूड की या लिक्विड की लेयर्स की जो स्पीड है ना वो कम होती जाएगी। तो यहां पे किसको डिफाइन किया जाता है, एवरेज स्पीड को, ठीक है, फ्लूड की एवरेज स्पीड को डिफाइन किया जाता है। तो मान लो ये जो मेरा फ्लूड फ्लो कर रहा है स्ट्रीमलाइन फ्लो है या स्टेडी फ्लो है, और इस फ्लूड की जो एवरेज स्पीड है वो मान लो वी है, एवरेज स्पीड, ठीक है। तो अगर इसका स्ट्रीमलाइन फ्लो है ना या स्टेडी फ्लो है, तो ये पाया गया है अगर स्ट्रीमलाइन या स्टेडी फ्लो हुआ तो जो ये रेनॉल्ड नंबर है ना रो डीवी बाई टा, इसकी वैल्यू 2000 से कम मिलेगी आपको, ये पक्का है फॉर स्ट्रीमलाइन और स्टेडी फ्लो, ऐसा पाया गया है एक्सपेरिमेंटली। और मान लो अब फ्लो ओ टर्बुलेंट, मतलब कुछ ऐसे करके टर्बुलेंट फ्लो, ठीक है, और जो मेरी ट्यूब है उसका डायमीटर कैपिटल डी, मेरे पास एक विस्कस लिक्विड है जिसकी डेंसिटी रो, कोफिशेंट ऑफ विस्कोसिटी इटा, और मेरे पास ट्यूब है जिसकी डायमीटर क्या है कैपिटल डी, और इसमें से फ्लूड फ्लो कर रहा है और मान लो टर्बुलेंट फ्लो है, और एवरेज स्पीड
ऑफ ए फ्लूड वो मान लो वी है, ठीक है। तो ये पाया गया जब टर्बुलेंट फ्लो होता है ना, तो जो रेनॉल्ड नंबर है ना आर वी, ये 3000 से ज्यादा मिलेगा फॉर टर्बुलेंट फ्लो, ठीक है। और स्ट्रीमलाइन फ्लो जब होगा तो ये रेनॉल्ड नंबर 2000 के बराबर या उससे कम होगा, ठीक है। और जब टर्बुलेंट फ्लो होगा तो रेनॉल्ड नंबर 3000 से ज्यादा, ऐसा एक्सपेरिमेंटली पाया गया। अगर रेनॉल्ड नंबर आर वी 2000 और 3000 के बीच में हुआ तो कौन सा फ्लो होगा? अनस्टेबल फ्लो। मतलब अगर स्ट्रीमलाइन फ्लो हुआ तो वो टर्बुलेंट फ्लो में चेंज हो सकता है, स्ट्रीमलाइन फ्लो कैन कन्वर्ट इनटू टर्बुलेंट एंड वाइस वर्सा। मतलब अगर टर्बुलेंट फ्लो हुआ तो स्ट्रीमलाइन में कन्वर्ट हो सकता है, स्ट्रीमलाइन फ्लो हुआ तो टर्बुलेंट में कन्वर्ट हो सकता है। तो अगर रेनॉल्ड नंबर 2000 और 3000 के बीच में हुआ तो इसको अनस्टेबल फ्लो बोला जाता है। मतलब किसी पाइप में से या किसी ट्यूब में से मेरा फ्लूड फ्लो कर रहा है, विस्कस फ्लूड है, तो रेनॉल्ड नंबर निकालना आर वी रो डी वी बाय इटा, कैपिटल डी क्या है डायमीटर ऑफ ट्यूब। अगर ये रेनॉल्ड नंबर 2000 और 3000 के बीच में मिला तो उसको अनस्टेबल फ्लो बोला जाएगा। मतलब स्ट्रीमलाइन फ्लो टर्बुलेंट में कन्वर्ट हो सकता है और वाइस वर्सा भी, टर्बुलेंट फ्लो हुआ तो वो स्ट्रीमलाइन में भी कन्वर्ट हो सकता है, तो ऐसे में इसको अनस्टेबल फ्लो बोला जाएगा, ठीक है। तो अब हम दो अच्छे न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे रेनॉल्ड नंबर के ऊपर बेस्ड। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल देखो क्या गिवन है, मेरे पास वाटर है, ठीक है, जिसकी डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब गिवन है, इतनी होती है, ठीक है। और कोफिशेंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ वाटर 0.01 पॉइज गिवन है, सीजीएस में है, ठीक है। और मान लो मेरे पास एक ट्यूब है जिसका डायमीटर कितना गिवन है, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। उस ट्यूब में से ये मेरा वाटर फ्लो कर रहा है और एवरेज स्पीड ऑफ वाटर वी ये कितनी गिवन है, 6 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो ये बताओ नेचर ऑफ फ्लो वो कैसा होगा, मतलब स्ट्रीमलाइन होगा या अनस्टेबल होगा या टर्बुलेंट होगा। तो आपको करना क्या है, बस रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू निकालना और फिर उससे ये चेक करना कि स्ट्रीमलाइन फ्लो है या टर्बुलेंट है या अनस्टेबल है, ठीक है। तो रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू निकालने जा रहा हूं मैं यहां पर, रो सारी वैल्यूज में सीजीएस में कन्वर्ट करूंगा, ठीक है, सॉरी सारी वैल्यूज सीजीएस में ही पुट करूंगा, सीजीएस में ही है, देख सकते हो डेंसिटी सीजीएस में 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, कोफिशेंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ वाटर ये भी सीजीएस में गिवन है, डायमीटर ऑफ ट्यूब 2 सेंटीमीटर सीजीएस में, एवरेज स्पीड ऑफ वाटर थ्रू दैट ट्यूब वो भी सीजीएस में गिवन है सेंटीमीटर पर सेकंड में 6। तो सीजीएस में पुट करो, ये एक नंबर ही आएगा, रेनॉल्ड नंबर होता है, ठीक है, रेनॉल्ड नंबर नाम से पता चल रहा है, एक नंबर ही आएगा। तो यहाँ पे सारी वैल्यूज या तो एसआई में पुट करो या सीजीएस में, मेरे पास सीजीएस में अवेलेबल है। तो रो 1, डी 2, वी 6 बाय इटा 0.01,
तो ये ऊपर 100 हो जाएगा, तो ये कितना आया 1200। ये एक नंबर है, रेनोल्ड नंबर एक नंबर होता है बस। तो अब देखो 1200 2000 से कम है ना, बिल्कुल। तो इसका मतलब वो जो वाटर फ्लो कर रहा है उस ट्यूब में से, तो वाटर का फ्लो क्या होगा, स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा। ये मेरा आंसर हो गया, रेनॉल्ड नंबर 2000 से कम आया ना, 1200 2000 से कम है तो स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा। स्ट्रीमलाइन फ्लो भी बोल सकते हो या स्टेडी फ्लो भी बोल सकते हो। तो अब देखो सेकंड न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, न्यूमेरिकल नंबर सेकंड क्या गिवन है। मान लो मेरे पास एक ट्यूब है जिसका डायमीटर 0.5 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है, और उसमें से वाटर फ्लो कर रहा है, मतलब वाटर फ्लो करेगा उस ट्यूब में से। कोफिशेंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ वाटर 0.00125 पोइजले, इतने गिवन है, ठीक है। और देखो डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है, 1000 kg/m³, इतनी होती है, ठीक है। तो फाइंड आउट क्या करना है, जो वो वाटर फ्लो कर रहा है ना इस ट्यूब में से, तो वाटर की मैक्सिमम एवरेज स्पीड बताओ, मैक्सिमम एवरेज स्पीड, सो दैट फ्लो विल बी स्ट्रीमलाइन। तो देखो जब मेरा स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है तो रेनॉल्ड नंबर 2000 के बराबर या उससे कम होना चाहिए, ठीक है। तो देखो रेनॉल्ड नंबर जितना ज्यादा होगा स्पीड भी उतनी ज्यादा होगी, तो रेनॉल्ड नंबर को ज्यादा से ज्यादा पुट कर दो स्ट्रीमलाइन फ्लो के लिए, 2000 = ρ, डेंसिटी 1000, डायमीटर 0.5 × 10⁻², सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया यहां पे, इंटू में वी, वी की जगह क्या जाएगा, वी मैक्सिमम, मैक्सिमम एवरेज स्पीड डिवाइडेड बाय इटा, कोफिशेंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ वाटर कितनी गिवन है, 0.00125 पोइजले। तो यहां से वी मैक्सिमम एस आई में निकल के आएगा, क्योंकि वैल्यूज मैंने एस आई में पुट किया है, और ये कितना आएगा 0.5 m/s, ये मेरा आंसर हो गया। तो मतलब जो मेरे पास एक ट्यूब है ना जिसका डायमीटर कितना है 0.5 cm, ठीक है, और मेरे पास वाटर है, कोफिशेंट ऑफ विस्कोसिटी ये, डेंसिटी ये, अगर उस ट्यूब में से जब मेरा वाटर जो फ्लो करेगा ना, अगर वाटर की एवरेज स्पीड 0.5 m/s के बराबर या उससे कम हुई, तो वाटर का स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा, ठीक है। तो फाइंड आउट क्या करना था, मैक्सिमम एवरेज स्पीड ऑफ वाटर सो दैट वाटर फ्लो विल बी स्ट्रीमलाइन, और ये कितना निकल के आया 0.5 m/s। तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।